वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म का जो भी डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स है जिसके द्वारा मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, जिस प्रोसेस के द्वारा, वही सब चीज़ आज हम वन बाई वन देखने वाले हैं। तो टॉपिक का नेम ही है एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। अब एजेंट्स का मीनिंग आप सभी को पता है, सभी आप ये टर्म्स एक्वेंटेड है एजेंट्स के टर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर एजेंट्स हम ऐड कहाँ कर रहे हैं, मेटामॉर्फिज्म में, मतलब मेटामॉर्फिक जो रॉक बन रहा है। ठीक है, उसमें क्या क्या एजेंट मतलब लग रहे हैं या फिर किस जरिए से वो बन रहा है। ठीक है, वही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। द एजेंट्स व्हिच आर ब्रिंग अबाउट मेटामॉर्फिक चेंजेस आर एज फॉलो। ठीक है, मेटामॉर्फिक चेंजेस जो आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, या फिर प्रोटोलिथ जो भी कन्वर्ट हो रहा है मेटामॉर्फिक रॉक में, तो वो कन्वर्ट होने के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए। अब वो एजेंट्स वन बाई वन क्या है देखते हैं। सबसे पहला जो एजेंट्स है वो टेम्परेचर है, अगेन वी हैव प्रेशर, देन वी हैव केमिकल एक्टिव फ्लूइड। ठीक है, बेसिकली जो मेजर ये तीन ही एजेंट्स है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड, ये मेटामॉर्फिज्म होने के लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म अगर कहीं पर होता है, ये तीनों में से कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल रहेगा, या फिर दो भी रेस्पॉन्सिबल रह सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस टाइप का मेटामॉर्फिज्म है उसके ऊपर। तो जनरली यहाँ से पता क्या चला, हमारे पास जो भी मेटामॉर्फिज्म हो रहे हैं या फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो बन रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बन रहे हैं, प्रोटोलिथ से मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। प्रोटोलिथ मीन्स प्री एग्जिस्टिंग रॉक, तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक एनीथिंग, वो इग्नियस हो सकता है, सेडिमेंट्री हो सकता है। ठीक है, तो उससे जो मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, तो उस बनने के दौरान जो भी एजेंट्स लग रहे हैं या फिर जो भी जरिए से वो बन रहा है, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंट के टाइप से, हम अभी बोल रहे हैं उसको टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल एक्टिव फ्लूइड। कोई भी रॉक को अगर चेंज आना, मतलब चेंजेस लाना है, तो उसमें टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, प्रेशर भी और केमिकल एक्टिव फ्लूइड भी, और ये एक साथ भी कंबाइनली भी एक्ट करते हैं, इंडिविजुअल भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है किस रीजन में मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। ठीक है, किस टाइप का मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, वो सब चीज़ डिपेंड करता है। तो जनरली हमारे पास तीन एजेंट्स है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड। अब वन बाई वन देखते हैं आप टेम्परेचर क्या है। अब टेम्परेचर से आप सभी को पता है कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रहा है हीट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हीट आता कहाँ से है, तो हमने तो बोल दिया टेम्परेचर से मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर रीजन में प्री एग्जिस्टिंग रॉक अगर है, तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है चेंजेस आके। तो टेम्परेचर आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो आ रहे हैं वो कहाँ से रहे, मेन क्वेश्चन यही है। तो टेम्परेचर देखिए, जियोथर्मल ग्रेडियंट जो हमें बताता है, जितना भी हम डेप्थ में जाएंगे अर्थ सर्फेस के नीचे, वहाँ पर टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है। मीन्स अगर ये अर्थ का सर्फेस है, इससे हम जितना भी डेप्थ में आते जाएंगे, टाइम के साथ टेम्परेचर भी उसी तरह इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, उस टेम्परेचर और भी इंक्रीज होते जाएगा टाइम के साथ। तो पहला टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, इस टाइप के प्रोसेस, मतलब ये जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है, यहाँ से भी हमें मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद और भी इंट्रूजन्स होते हैं। ठीक है, अर्थ के सरफेस में इंट्रूजन्स होते हैं, या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वहाँ से भी आपको टेम्परेचर मिलता है सफिशिएंट अमाउंट का मेटामॉर्फिज्म होने के लिए। तो देखते हैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन की ओर। विद इन द अर्थ सर्फेस द टेम्परेचर इंक्रीज विद डेप्थ, जो अभी हमने बोला टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डेप्थ के साथ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द ग्रेटर डेप्थ ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर। ऑब्वियसली अभी मैंने बोला जितना हम नीचे आएंगे उतना टेम्परेचर राइज होगा, तो जितना टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक होने के लिए हमें टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकली एक्टिव फ्लूइड भी चाहिए। तो अभी हम टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस करें, मीन जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म का इफेक्ट दिखाएगा, उतना अच्छा से मेटामॉर्फिज्म होगा। ठीक है, तब टेम्परेचर बढ़ेगा कहाँ पर, ग्रेटर डेप्थ में। तो जितना हम ग्रेटर डेप्थ में जाएंगे वहाँ पर मेटामॉर्फिज्म आपको उतना ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रिएक्शन। ठीक है, मेटामॉर्फिक रिएक्शन यहाँ पर टर्म यूज किया जा रहा है, जो कि मतलब मेटामॉर्फिक चेंजेस, जिसको ही हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द ग्रेटर डेप्थ। ऑब्वियसली ग्रेटर डेप्थ में हो रहा है ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, जितना भी हम नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर राइज होगा, तो यहाँ से आपको टेम्परेचर मिल रहा है ग्रेटर डेप्थ से, जो कि जियोथर्मल ग्रेडियंट भी बता रहा है। और टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, बस ये एक ही ये है क्या है? मतलब टेम्परेचर जो मिल रहा है उसका वे क्या क्या है। तो पहला वे तो हमने देखा कि जियोथर्मल ग्रेडियंट या फिर ग्रेटर डेप्थ में हम जितना आएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। सेकंड जो हमारा इंट्रूजन, ठीक है, इंजेक्शन, ये सब चीज़ रहते हैं। तो इन केस ऑफ इंजेक्शन एंड इंट्रूजन ऑफ मैग्मा, ठीक है, मैग्मा जब इंजेक्ट हो रहा है या फिर इंट्रूड हो रहा है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग रॉक पहले से यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्मा का इंट्रूजन हो रहा है। इंट्रूजन होने की वजह से ये इसका भी कुछ ना कुछ हीट है, तो ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये इसका भी कुछ टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर कहाँ पर, ये टेम्परेचर अप्लाई कहाँ हो रहा है, ये कंटी रॉक में, तो ये कंटी रॉक में भी चेंजेस आएंगे ड्यू टू इस टेम्परेचर। तो इसी तरह इंजेक्शन में भी और इंट्रूजन में भी मैग्मा का कंटी रॉक में अफेक्ट करता है, वो भी उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके वजह से भी मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है इन कंटी रॉक। ओके, तो देखिए ये पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इंजेक्शन एंड इंट्रूजन ऑफ मैग्मा द कंटी रॉक आर सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर। ऑब्वियसली जैसे मैग्मा और इंट्रूजन होगा मैग्मा का, तो ऑब्वियसली कंटी रॉक जो रहेगा वो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, व्हिच कॉज मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, ऑन द कंट्री रॉक, ठीक है, उसी की वजह से कंट्री रॉक में मेटामॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है। तो टेम्परेचर किस तरह अफेक्ट कर रहा है, ये एक एजेंट है अभी हमने देख लिया।
उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच मेटामॉर्फिज्म बिगेंस इज अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस। तो 150 डिग्री सेल्सियस से भी आपको मतलब मेटामॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है, मीन्स यहाँ से मेटामॉर्फिज्म होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 150 में मेटामॉर्फिज्म होकर रॉक कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो मिनिमम टेम्परेचर है, मीन्स कितना टेम्परेचर से मेटामॉर्फिज्म कोई भी रॉक में देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली 150 से। अब ये वेरी करने वाला रॉक टू रॉक, ठीक है, बट इन जनरल हम बोल सकते हैं 150। अब रॉक टू रॉक ये वेरी कैसे करेगा, रॉक का स्टेबिलिटी के ऊपर, रॉक का मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो रॉक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा उसको लो चाहिए। बट अगर हम देखेंगे स्पेशली क्ले मिनरल जो रहते हैं या फिर क्ले ग्रुप के जो भी मिनरल रहेंगे, वो इस टेम्परेचर में ऑब्वियसली मेटामॉर्फिज्म का मतलब बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स चेंजेस उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा जब 150 डिग्री टेम्परेचर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये मिनिमम जो टेम्परेचर है वो इतना ही है, बट इसको वेरी करेगा ये डिफरेंट मिनरल टू मिनरल और रॉक टू रॉक डिपेंड ऑफन, इसका जो डिपेंड करता है उसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रॉक का स्टेबिलिटी के ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस तरह वो डिपेंड करता है। ये था टेम्परेचर के अबाउट, टेम्परेचर किस तरह वेरी हो रहा है या फिर टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है। तो टेम्परेचर हमने देखा जियोथर्मल ग्रेडियंट से हमें मिल रहा है, इंट्रूजन से मिल रहा है, इंजेक्शन से मिल रहा है, तो इसके वजह से जो भी कंट्री रॉक में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, इसके वजह से हमें मेटामॉर्फिज्म देखने को मिला, और उसी के वजह से टाइम के साथ वो जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है या फिर प्रोटोलिथ है चेंज हो जा रहा है मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ये था ऑल अबाउट टेम्परेचर। आप देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा एजेंट है प्रेशर। हाँ, तो हमारे पास प्रेशर भी है जिसकी वजह से मेटामॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है, ये सेकेंड एजेंट है। तो प्रेशर को हमने दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया, मींस अभी प्रेशर को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, मेटामॉर्फिज्म के बेसिस पे। मींस हमारे पास दो टाइप का प्रेशर है या फिर दो टाइप का प्रेशर जो नेचर में जनरेट हो रहे हैं, नेचर में एक्ट कर रहे हैं, तो वो प्रेशर को हमने दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, जो भी प्रेशर नेचर में एक्ट कर रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, नेचर में ही बन रहे हैं, उसकी वजह से रॉक में चेंजेस आ रहा है, उस प्रेशर को हमने उसके मतलब बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसका दो टाइप में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। तो अब वो क्या क्या, यूनिफॉर्म और उस यूनिफॉर्म रॉक मतलब प्रेशर बोल रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं हम डायरेक्टेड प्रेशर, नेक्स्ट वन जो हमारा है। तो दो टाइप में हमने उसको क्लासिफाई तो कर दिया। अब क्या क्या क्या, एक को हमने बोला यूनिफॉर्म प्रेशर और एक को बोला डायरेक्टेड प्रेशर। टर्म में ही यूनिफॉर्म है, मीन्स यहाँ पर बात हो रहा है इक्वालिटी का, मीन्स सब तरफ से जो भी प्रेशर लगेगा इक्वल लगेगा। तो देखते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर, या फिर उसको ही बोला जा रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी जो टर्म हमारा हाइड्रोस्टैटिक, ये मतलब ये टर्म ही मतलब रेफर करता रहा, कहीं ना कहीं बात हो रहा है यहाँ पर भी ग्रेटर डेप्थ का। ठीक है, तो जनरली जो हमारा सेकेंड एजेंट है मेटामॉर्फिज्म के लिए वो कॉज है, सेकेंड एजेंट है हमारा प्रेशर। प्रेशर को हमने उसका मतलब बिहेवियर के अकॉर्डिंग दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये चीज़ वेरी करने वाला ऑथर टू ऑथर, कोई ऑथर बोलेगा यूनिफॉर्म प्रेशर, कोई बोलेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब प्रेशर, तो ये मतलब ऑथर के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा, बट दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो वन टाइप ऑफ आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म प्रेशर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, आप एग्जाम में वो इंडिविजुअल यूनिफॉर्म प्रेशर करके नहीं पूछेंगे टाइम, मतलब कभी वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये दोनों चीज याद रखना होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ही यूनिफॉर्म प्रेशर बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर, जो कि पहला टाइप है प्रेशर का मेटामॉर्फिज्म में वो कॉज है या फिर एजेंट है मेटामॉर्फिज्म का। तो द यूनिफॉर्म प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डेप्थ, ठीक है, डेप्थ की वजह से इसको नाम भी दिया गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर मीन्स सब डायरेक्शन से इक्वल लगेगा। ठीक है, अगर कोई ये रॉक है तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से ये इक्वल लगेगा अगर ये फोर्स, तो इसी को ही हम बोले यूनिफॉर्म प्रेशर। अब यूनिफॉर्म प्रेशर इसका मतलब ये मतलब प्रेशर का जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको नेमिंग किया, मतलब सब तरफ से अगर प्रेशर लग रहा है उसी को हम बोले यूनिफॉर्म प्रेशर। बट ये प्रेशर किस रीजन में लगेगा, ग्रेटर डेप्थ में। अब डेप्थ के अकॉर्डिंग फिर थर्स ने उसको दूसरा नाम भी नोमेनक्लेचर किया, हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म और हाइड्रोस्टैटिक दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो द यूनिफॉर्म प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डेप्थ, जितना भी आप डेप्थ में जाएंगे उतना यूनिफॉर्म प्रेशर लगती जाएगा। इट इज ड्यू टू द लोड ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स, ठीक है, ओवरलाइंग रॉक्स के द्वारा ये लोड लगता है, उसी की वजह से ये फोर्स जनरेट होते हैं या फिर ये प्रेशर जो लग रहे हैं। ठीक है, वन टाइप ऑफ प्रेशर आप बोल सकते हो, फोर्स बोलना तो यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, बट इमेजिनेशन के लिए आप बोल सकते हो, जैसे ये रॉक बेड्स है, अब जो नीचे का रॉक बेड से इसके ऊपर किसका मतलब इसका लोड, सबका लोड इसके ऊपर लगेगा, तो इसी को ही हम बोले यूनिफॉर्म प्रेशर। अब यूनिफॉर्म प्रेशर कैसे हुआ, जैसे अब यहाँ पर कोई भी चीज़ है तो बावेंसी इफेक्ट भी होता है, जितना इसको आप इधर से प्रेस करोगे अपोज भी हो उसका अपोजिट साइड से उतना अपोज भी होता है। ठीक है, इसीलिए तो सब कुछ स्टेबल कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये कोई रॉक बेड है तो यहाँ ऊपर से जितना फोर्स लगेगा, बाउंसी इफेक्ट यही बताता है कि नीचे से भी उसको उतना ही फोर्स में यहाँ पर अपोज होता है। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रेशर को हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म प्रेशर, मीन्स यहाँ पर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से प्रेशर इक्वल रहेगा। तो फिर से देखिए, द यूनिफॉर्म प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज डेप्थ, जितना डेप्थ के नीचे जाओगे उतना यूनिफॉर्म प्रेशर इंक्रीज होगा। इट इज ड्यू टू द लोड ऑफ ओवरलाइंग स्ट्राटा, ओवरलाइंग स्ट्राटा का लोड की वजह से ये प्रेशर जनरेट होता है।
दिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ हायर टेम्परेचर. ऑब्वियसली जितना आप नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना हमारा ग्रेडिएंट भी हमें यही बोलता है जितना नीचे जाएगा उतना टेम्परेचर प्रेशर दोनों इंक्रीज होता है. तो ऑब्वियसली हमने टेम्परेचर जो देखा वो भी हमने देखा जितना हम अर्थ सर्फेस के नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो ऑब्वियसली हम अर्थ सर्फेस के यहाँ पर भी प्रेशर में बात करें नीचे तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों इंक्रीज होगा. तो जहाँ पर आपको यूनिफॉर्म प्रेशर देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर भी वहाँ पर अप्लाई होता है. तो इसी की वजह से मेटामॉर्फिज्म भी होता है. तो दिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ हायर टेम्परेचर. ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर के साथ यूनिफॉर्म प्रेशर भी एक्ट करता है. ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर की वजह से रॉक का जो वॉल्यूम है वो मतलब वो डिक्रीज होता है. ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी. और इसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है. ठीक है, डेंसिटी भी इंक्रीज होता है. होता कैसे, ये देखिए, ये अगर रॉक है यहाँ पर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से अगर फोर्स लगता है तो ऑब्वियसली यहाँ जो मिनरल ग्रेन रहेंगे, कंस्टिट्यूएंट मिनरल रहेंगे, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से अगर लग रहा है इक्वल फोर्स तो ये क्या होंगे, ये स्क्वीज होकर थोड़ा सा छोटा हो जाएंगे. छोटा होने की वजह से यहाँ पर देखिए यही पर लिखा गया वॉल्यूम उसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब ये छोटा हो जाने की वजह से इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होता है, उसके साथ ही इसका जो डेंसिटी है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कहीं ना कहीं हो जाएगा. तब हो क्या रहा है, ये समझ लीजिए, सपोज ये कोई रॉक है यहाँ पर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से आपको यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, मतलब जितना डायरेक्शन से भी प्रेशर लगेगा इक्वल प्रेशर लगेगा, और जितना पॉसिबल डायरेक्शन है सब डायरेक्शन से लगेगा इक्वल प्रेशर. तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम में मतलब चेंज आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगा. इट एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, ऑब्वियसली ऑल डायरेक्शन में एक्ट करेगा इक्वल. ठीक है, तो यही है यूनिफॉर्म प्रेशर. अब नेक्स्ट जो टाइप है प्रेशर का, डायरेक्टेड प्रेशर, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं. डायरेक्टेड प्रेशर है क्या, अब टर्म में डायरेक्टेड मीन्स कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही एक्ट करेगा, मीन्स यूनिफॉर्म ये नहीं रहेगा. बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से एक्ट कर रहा था, बट यहाँ पर डायरेक्टेड में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से वो एक्ट करेगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही वो मतलब प्रेशर लगाएगा. जैसे ये कोई रॉक है तो अगर ये इस डायरेक्शन से लगा रहा है प्रेशर, तो ऑब्वियसली ये अगर देखिए इस डायरेक्शन से प्रेशर लगेगा तो रॉक इस टाइप में मतलब उसका शेप ले लेगा. अगर यहाँ से इस डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इस तरह वो शेप ले लेगा. तो ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से अगर प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन से इस पर्टिकुलर, तो इस टाइप में वो शेप ले लेगा, क्योंकि इधर से तो नहीं लग रहा ना, इधर से फोर्स नहीं लग रहा, तो ये अभी इस टाइप इस साइड फ्री है, तो ऑब्वियसली वो लेस प्रेशर के एरिया में जाने को ट्राई करेगा. ठीक है, तो इस तरह वो एक्सपांड होगा. तो डायरेक्टेड प्रेशर में इसी तरह हो रहा है, डायरेक्टेड प्रेशर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से लग रहा है. ये देखिए, दिस प्रेशर ऑकर्स एट और नियर द अर्थ सर्फेस. तो ये प्रेशर कहाँ पर जनरली लगते हैं, जैसे हमने देखा यूनिफॉर्म प्रेशर कहाँ लग रहे थे, ग्रेटर डेप्थ में. बट ये ग्रेटर डेप्थ में बिल्कुल ही नहीं एक्ट होंगे, ये अर्थ सर्फेस के नियर में, मीन्स अर्थ सर्फेस के ऊपर में, या फिर उसके थोड़ा सा ही सालो डेप्थ में. ठीक है, सालो डेप्थ मीन्स 1 से 2 किलोमीटर के रीजन में. ठीक है, तो ये हो क्या रहा है यहाँ पर, तो ये प्रेशर अर्थ सर्फेस के नीचे नहीं लगेगा, अर्थ सर्फेस के नियर में लगेगा. ठीक है, और ये कहाँ मिल कहाँ रहा है अर्थ सर्फेस को, मतलब अर्थ सर्फेस में प्रेशर आ कहाँ रहा है, जिसे हमने बोला ग्रेटर डेप्थ में ओवरलाइन स्टाटा की वजह से फोर्स लग रहा है या फिर प्रेशर लग रहा है. बट यहाँ पर लग कहाँ रहा है प्रेशर, तो ओरोजेनिक मूवमेंट से लग रहा है. ओरोजेनिक मूवमेंट क्या है, अब सभी को पता है. ठीक है, टेक्टोनिक फोर्स की वजह से लग रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है, मीन्स माउंटेन भी बिल्ड हो रहा है. ठीक है, तो उसकी वजह से प्लेट प्लेट में भी जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से भी यहाँ फोर्स लग रहा है. तो ये फोर्स आ कहाँ से रहे हैं, ये देखिए ओरोजेनिक मूवमेंट से आएगा, टेक्टोनिक मतलब फोर्स से आएगा, या फिर माउंटेन बिल्डिंग फोर्स से आएगा. तो यहाँ से ये प्रेशर जनरेट हो रहे हैं और इसके वजह से डायरेक्टेड प्रेशर लग रहा है नियर द अर्थ सर्फेस. ठीक है, और इसकी वजह से रॉक में चेंजेस आएंगे. तब वो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या अभी देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में. द इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डेप्थ. ऑब्वियसली हम जितना डेप्थ में जाएंगे उतना उसका प्रेशर मतलब प्रेशर का इफेक्ट रहेगा, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्रेटर डेप्थ में तो आपको हमने देखा यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है. डायरेक्टेड प्रेशर ग्रेटर डेप्थ में कभी भी नहीं लगेगा, डायरेक्टेड प्रेशर नियर द अर्थ सर्फेस लगेगा. अर्थ सर्फेस के जितना हम नीचे जाएंगे उतना ये जो इस प्रेशर का इफेक्ट रहेगा वो लेस होते जाएगा. तो ये डिक्रीज होते जाएगा जितना हम अर्थ सर्फेस के नीचे जाएंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा पर्टिकुलर जहाँ पर ये प्रेशर बिल्कुल ही ये मतलब डिसअपियर हो जाएगा, या फिर ये प्रेशर आप लगेगा ही नहीं, मतलब ये प्रेशर का जो अमाउंट रहेगा जीरो हो जाएगा. मींस जितना आप ग्रेटर डेप्थ में जाएंगे उतना ये प्रेशर डिक्रीज होगा, और कौन सा प्रेशर इंक्रीज होगा, यूनिफॉर्म प्रेशर. डायरेक्टेड प्रेशर ऑब्वियसली आपका अर्थ सर्फेस के नियर में लगेगा, मींस नियर द अर्थ सर्फेस में लगेगा, किसके वजह से, ओरोजेनिक मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक फोर्स की वजह से, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस की वजह से. तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जितना हम मतलब अर्थ सर्फेस से थोड़ा दूर तक लगेगा, फिर एक हम जितना नीचे जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये प्रेशर जो रहेगा डायरेक्टेड प्रेशर, डायरेक्टेड यहाँ पर डीपी लिख दिया, डायरेक्टेड प्रेशर जो कि जीरो हो जाएगा. ठीक है, यह चीज यहाँ पर बताया जा रहा है. द इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ, डेप्थ की वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड आर द सर्टेन पॉइंट डिसअपियर.
इट एक्ट इन वन पर्टिकुलर डिरेक्शन, ऑब्वियसली ये वन पर्टिकुलर डिरेक्शन में एक्ट करेगा, चेंज द शेप ऑफ रॉक, ऑब्वियसली इसकी वजह से चेंज होगा शेप में, जैसे कि ये कोई रॉक है समझ लीजिए, तो ये पर्टिकुलर ये डिरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो ये सब डिरेक्शन अभी भी फोर्स नहीं लग रहा, मीन्स ये जो रीजन है वो लेस प्रेशर का, मीन्स मिनिमम प्रेशर का रीजन है, तो ये क्या होगा, इधर से अगर फोर्स लग रहा तो ये इस टाइप में शेप ले लेगा, ऑब्वियसली अगर उसी तरह इधर से अगर फोर्स लगता है तो ये जो रीजन है ये लेस प्रेशर का, तो एक इधर जाने को ट्राई करेगा, एक्सपांड होगा इस तरह, तो डिपेंड करता है किस एंगल से प्रेशर लग रहा है, किस डिरेक्शन से लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो शेप में उतना चेंजेस लाएगा। तो ये था ऑल अबाउट प्रेशर, जो कि दो टाइप का प्रेशर था, यूनिफॉर्म और डायरेक्टेड प्रेशर। यूनिफॉर्म प्रेशर ग्रेटर डेप्थ के साथ इंक्रीज होगा, और डायरेक्टेड प्रेशर जितना हम नीचे जाएंगे उतना वो डिसअपियर होते जाएगा टाइम के साथ। तब जो नेक्स्ट जो थर्ड हमारा एजेंट है वो केमिकल एक्टिव फ्लूइड, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसी के बाद ये हमारा जो टॉपिक है एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो देखते हैं अब केमिकल एक्टिव फ्लूइड क्या है। तो हाँ, केमिकल एक्टिव फ्लूइड भी अब यहाँ पर टर्म से पता चलता है, केमिकली मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हो रहा है एलिमेंट्स का, ठीक है, कैटायन आने आने का, और एक्टिव रहेगा मींस यहाँ पर बात हो रहा है एक्टिव फ्लूइड का, ठीक है। एक्टिव फ्लूइड वो मे बी हाइड्रोजन हो सकता है, CO2 हो सकता है, इस टाइप में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिकली रहेगा मतलब केमिकल कंपोजिशन कुछ ना कुछ उसका रहेगा, वो एक्टिव रहेगा मींस फ्लूइड कंडीशन में वो एक्टिव रहेगा। व्हेन पासेस थ्रू द पोर्स ऑफ द रॉक्स, ठीक है, रॉक्स में पोर्स रहेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली इग्नियस रॉक देखिए वहाँ पर भी आपको पोर्स देखने को मिलेगा इन बसाल्ट, ठीक है, और सेडिमेंट्री में ऑब्वियसली पोरोसिटी तो रहता ही है, पोरोसिटी परमेबिलिटी। तो यहाँ पर होता क्या है, रॉक का जो पोर्स है, अगर पोर्स जो मतलब अगर ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ रॉक, लाइक हम बोल सकते हैं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में आपको पोर्स स्पेसेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट टाइम के साथ जब भी ग्रेनाइट का वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, उस कंडीशन में उसमें पोर्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, वेदरिंग इरोजन की वजह से वहाँ पर पोर्स क्रिएट होंगे, पोर्स क्रिएट होंगे, तो यही अब पोर्स जहाँ पर रहेंगे यहाँ पर केमिकल एक्टिव फ्लूइड भी अपना वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, व्हेन मतलब केमिकल एक्टिव फ्लूइड जब भी पास कर रहा है थ्रू द पोर्स, ठीक है, रॉक में पोर्स है उसके थ्रू अगर पास करेगा, कॉज चेंजेस इन देयर ओरिजिनल कंपोजिशन, ऑब्वियसली यहाँ पर केमिकल एक्टिव फ्लूइड मीन्स अभी हम बोल सकते हैं यहाँ पर केमिकल एक्टिव फ्लूइड जो रहेगा HCl हो सकता है हमारा, H2SO4 हो सकता है, ठीक है, तो ये सब हो सकता है, उसके बाद आप बोल सकते हो CO2 इस टाइप में हो सकता है केमिकल एक्टिव फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, रॉक के पोर्स में वो जाएंगे, रॉक के पोर्स में जाएंगे तो जो भी मिनरल का कुछ ना कुछ एक कंपोजिशन रहेगा, अब ये अगर उसके साथ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली कंपोजिशन में चेंजेस आएंगे, इसके वजह से भी कंपोजिशन में चेंजेस आ रहा है मीन्स रॉक में चेंजेस आएगा, तो इसको भी हम वन टाइप ऑफ एजेंट बोल रहे हैं ड्यू टू ये भी चेंज कर रहा है, ठीक है, ये चेंज ला रहा है रॉक में, ठीक है। तो केमिकल एक्टिव फ्लूइड इसका ये रोल है। द सोर्स ऑफ दिस मतलब ये अब केमिकल एक्टिव फ्लूइड से तो चेंजेस हो रहे हैं, हमने देख लिया किस टाइप में चेंजेस हो रहा है, और ये केमिकल स्पेशली एक्टिव फ्लूइड्स भी, अब H2O भी एक केमिकल एक्टिव फ्लूइड है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, ये फ्लूइड है, बट ये आ कहाँ से रहे नेचर में वो चीज़ देखना है। द सोर्स ऑफ दिस केमिकल एजेंट्स आर जनरली द इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी, ठीक है, जब भी मैग्मा इरप्ट हो रहा है या फिर मैग्मा जब भी इंक्लूड हो रहा है इग्नियस रॉक में, तो अपने साथ में कुछ मतलब वेसिकल लेके आता, मतलब अपने साथ में वो कुछ वोलेटाइल पार्टिकल लेके आता है जिसकी वजह से रॉक में वेसिकल भी बनता है, जो कि हमने देखा इग्नियस रॉक में जब भी हमने देखा वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था किस तरह वोलेटाइल कंटेंट गैस रेस्पॉन्सिबल रहता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पर भी उसी तरह जैसे अभी कोई मतलब मैग्मा इंट्रूजन हो गया, मैग्मा इंट्रूजन हो गया इसमें लार्ज अमाउंट में मतलब वोलेटाइल मटेरियल है, ठीक है, इंट्रूजन हुआ समझ लीजिए कंट्री रॉक है, यहाँ पर ये मैग्मा इंट्रूजन हो गया, तो अब ये जो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल है, वोलेटाइल मटेरियल मीन्स यहाँ पर हो सकता है H2O, CO2, ठीक है, बोरिक एसिड, ठीक है, सल्फोरिक एसिड, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इस तरह में डिफरेंट डिफरेंट वो गैस कंटेंट रहेंगे, वोलेटाइल मटेरियल रहेंगे। तो अब ये टाइम के साथ जब ये सोलिफिकेशन होगा मैग्मा, तो ये क्या होगा, यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाने की वजह से यहाँ पर तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये कैविटी बन गई, इसी को ये हम बोल रहे हैं वेसिकुलर स्ट्रक्चर, बट ये जो इजेक्ट हुआ अभी ये जाएगा कहाँ, ये अगर कंट्री रॉक में है तो ऑब्वियसली कंट्री रॉक में जाएगा, कंट्री रॉक में जाएगा मीन्स ये भी उसमें कहीं ना कहीं कंट्री रॉक में पहले से ही पोर स्पेसेस रहते हैं, तो कंट्री रॉक में वो कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करने को ट्राई करेगा, क्या ये वोलेटाइल मटेरियल, अब ट्राई करेगा पेनिट्रेट करने को, तो अगर पेनिट्रेट कर जाएगा इसका कहीं ना कहीं पहले से कुछ कंपोजिशन रहेगा, अभी ये कुछ दूसरा इसका कंपोजिशन है, तो ऑब्वियसली उसमें रिएक्शन होगी, इसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या है केमिकल एजेंट्स का, मतलब केमिकल जो एक्टिव फ्लूइड है उसका सोर्स क्या है, जनरली इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी, ऑब्वियसली जब भी इंट्रूजन होगा वहाँ पर उसके साथ कुछ वेसिकल्स मतलब वोलेटाइल पार्टिकल रहते हैं, जो कि वेसिकल्स क्रिएट करते हैं, और वो वेसिकल्स जो भी मतलब निकलते हैं वोलेटाइल पार्टिकल्स, ठीक है, या फिर गैस वेपर्स, तो वो सब जाकर कंट्री रॉक में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये मेटोरिक वाटर, ठीक है, अब क्या क्या हो सकते हैं, मेटोरिक वाटर, जुबेनिल वाटर, ठीक है, HCl, H2SO4 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटामॉर्फिज्म। तो इस मेटामॉर्फिज्म में जो हम बोल रहे हैं केमिकल एक्टिव फ्लूइड जो भी हमने देखा यही सब चीज़ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यू मतलब चेंजेस लाने में रॉक में। तो ये था ऑल अबाउट एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का जियोलॉजी रिलेटेड कुछ भी वीडियो आए सबसे पहले उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।